दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अनुभव लेंगे जो विचित्र तरह का है, साथ ही साथ एक साधक है उनके प्रश्नों के भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक गोपनीय चीज़ से भी पर्दा उठेगा, साथ ही साथ जो अनुभव है उसके माध्यम से आप एक नई चीज़ जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किन्होंने अनुभव भेजा है। ये अनुभव भेजा है शिवम पांडे जी ने, सतना मैहर मध्य प्रदेश से। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिख के भेजा। जैसे कि मैं आजकल कहता ही हूँ कि कोई भी अनुभव अगर आप भेजते हैं तो उसमें स्पष्टली इसका मेंशन होना चाहिए कि आपने ये अनुभव मुझे ही भेजा है और किसी को नहीं भेजा है। साथ ही साथ डेट टाइम वगैरह भी वो उसमें क्लियर हो, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं डालता हूँ जिससे। और आपकी जिम्मेदारी होती है कि ये अनुभव कहीं और नहीं भेजा गया और ना ही आप कभी इसको कहीं और भेजेंगे। अगर भेजते हैं तो वो कॉपीराइट इश्यू में नहीं आती, तो चीज़ें इसलिए जो है यहाँ पर उन्होंने अच्छी तरह से लिख के भेजा है, इसके लिए धन्यवाद। और बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से करें ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और जैसे कि इसका जो एक फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि उसमें जो है अनुभव में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि यह अनुभव धर्म रहस्य चैनल को दिनांक और समय पर प्रेषित किया गया है, वो लिखेंगे आप, और ना ही कहीं इसे प्रेषित किया गया ना ही इसे करवाया जाएगा। यह मेरा मूल अनुभव है और इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। नाम पता और हस्ताक्षर आप जो है उसके नीचे करेंगे, और जो लोग नहीं चाहते कि उनका नाम पता और हस्ताक्षर दिखाया जाए तो वो मुझे बता दें कि मुझे ये चीज़ नहीं, आपको मतलब ये चीज़ ना दिखाई दे, तो केवल उसी जगह को हम ब्लर कर देंगे, बाकी चीज़ें आपकी रहेंगी, क्योंकि वो चीज़ दिखे बिना लोग विश्वास नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं इनके अनुभव को। अनुभव जैसे कि आप समझ ही चुके हैं कि लाल कपड़ों वाली डाकनी का है, और आखिर ये लाल कपड़ों वाली डाकनी कौन थी और कैसे इनके साथ जुड़ी, इनके पत्र के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूरज प्रताप भाई साहब को मेरा प्रणाम। मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि मेरा स्वप्न धर्म रहस्य चैनल के लिए है और केवल वहीं इसे प्रकाशित करें, और मेरे सभी अनुभव धर्म रहस्य चैनल के लिए ही होंगे, मैं ये प्रमाणित करता हूँ। भाई साहब को प्रणाम एवं सभी धर्म रहस्य दर्शकों को जय माता की। भाई सभा, आज सुबह मैंने पूजा की तो मुझे लगा कि मुझे सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए। जैसे ज़्यादातर साधना में कई लोगों को अगर ऐसा आभास होता है, पहली बात आप बिल्कुल जरा जान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगने लगे कभी, आप चाहे अपने स्वयं की साधना कर रहे हो या ईष्ट की मंत्र की साधना कर रहे हो या कोई भी साधना कर रहे हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए तो हो सकता है वो संकेत आपका ईष्ट ही दे रहा हो, तो वो जरूर कर लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लेकिन इस बात की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया और पाठ करता रहा। जब भी किया, जब मैं दोपहर में एक घंटे के लिए सो गया, तब मैं अपने सपने में देखता हूँ कि मैं एक सुनसान जगह पे हूँ। एक औरत है जिसे मैं जानता हूँ, वो लाल कपड़े वाली साड़ी जो है, जैसे लाल रंग की साड़ी होती है, वो पहने हुए है, और कुछ दूर पर एक लाश पड़ी हुई है जिस पर हल्दी सिंदूर आदि पुता हुआ है, यानी लगा हुआ है। इसके बाद वो एक अभिमंत्रित चाकू लेकर उसके सीने में मार देती है। इसके बाद वहाँ पर एक घनघोर अंधेरा सा हो जाता है। उसके बाद वो औरत मेरे पास आती है और मुझे वहीं पर लेकर जाती है जहाँ पर ये सारी क्रियाएं वो कर रही थी। इसके बाद वो मेरे पीछे के बाल मंत्र पढ़ते हुए ज़मीन में डाल देती है, यानी काट देती है, और मेरे हाथ की कलाई को काट के खून निकाल लेती है। मेरे शरीर में आकाशीय जिन्न का आवाहन करती है, वो जिन्न मेरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। उसके प्रवेश करते ही मैं बहुत अजीब सा महसूस करता हूँ और मैं मदहोश सा होने लगता हूँ। उस औरत को एकदम चमकदार जो होती है लाल रंग की साड़ी में मैं देखता हूँ, तो मेरे अंदर काम भाव भी जग जाता है और वो भी मुझसे काम भावना की इच्छा करने लगती है। इससे पहले कि मैं काम वासना में लिप्त होता, मुझे तभी अंदर से आवाज़ आती है कि इसके साथ संभोग मत करना, वरना ये काम करने के बाद तुझे मार डालेगी। अचानक से ही मेरे अंदर से काम भाव जो है छूट जाता है और वो औरत मुझसे दूर भागने लगती है। तभी मैं गुस्से में कहता हूँ कि इस जिन को मेरे शरीर से बाहर निकालो, वरना मैं इसे जला के राख कर दूंगा। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ लेकिन वो औरत वहाँ से दूर चली जाती है, तभी मेरी नींद खुल जाती है। तो इस तरह का उनको अद्भुत अनुभव हुआ। अब आगे इनके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि ये लाल साड़ी की औरत कौन थी और ये कैसी तंत्र क्रिया कर रही थी।
दूसरा, भाई साहब ये आकाशी जिन क्या होता है और उसे मेरे ऊपर क्यों बुलाया गया? तीसरा, क्या मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली है? यदि है तो उससे बचाव कैसे करूं? मैं हमेशा प्रतिदिन गुरु मंत्र का जाप करता हूं। मुझे आवाज़ किसने दी होगी? मुझे पूरे स्वप्न का मतलब क्या होगा? आकाश जी जिनको बुलाया गया है स्वप्न में, तो क्या वास्तविक जीवन में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? यदि हाँ तो कैसे? आपसे अनुरोध है कि मुझे इसकी वास्तविकता से अवगत कराएं, आपका आभारी रहूंगा। शिवम पांडे, सतना मैहर, मध्य प्रदेश। तो देखिए, ये जो अनुभव हुआ है उसी हिसाब से मैं अब आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि ये लाल साड़ी वाली औरत कौन थी, ये तंत्र क्रिया कैसे कर रही थी। तो देखिए, ये जो लाल कपड़ों वाली साड़ी जो इन्होंने बताई स्थिति, दो तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन दूसरा भाव इसलिए नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि वो गलत कार्य कर रही थी। इसलिए यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यह है लाल कपड़ों को पहनने वाली डाकिनी, जो ज़्यादातर लाल कपड़े वो भी पहनती है, बिल्कुल जैसे यक्षिणियाँ होती हैं वो भी पहनती हैं, और ज़्यादातर सजी धजी औरतें जिसे कहते हैं साड़ी वाली, और जो विवाह करना चाहती हैं, प्रेम करना चाहती हैं, वो शक्तियाँ ज़्यादातर लाल साड़ी ही पहनती हैं। तो ये लाल साड़ी पहनने वाली डाकिनी थी। तो डाकनी इसलिए स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि इसने आकाशी जिनका आवाहन किया, यानी आकाश से अपनी शक्ति को आवाहन किया। ये आकाश में उड़ती रहती हैं और आकाश में इनके अधीन बहुत सारे जिन भी होते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको ये अपना गुलाम बना के रखती हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समझाता हूँ कि एक मंत्र आता है दुर्गा सप्तशती के कवच में, आता है, कहते हैं कि अंतरिक्ष चरा घोरा डांकनिश्च महाबला, यानी कि अंतरिक्ष में विचरने वाली महाबलशाली डाकनियाँ जो हैं, जो घूम रही हैं, उनसे भी रक्षा के लिए कवच में कहा गया है कि अंतरिक्ष चराग हो रहा डांकनिश्च महाबला। तो यानी कि अंतरिक्ष में बहुत ही विशाल काय, बहुत ही शक्तिशाली डाकनियाँ लगातार घूम रही हैं। ये तभी आकर्षित होती हैं जब कोई सिद्ध साधक बनने की ओर आगे बढ़ता है, तो अचानक से कभी उड़ते हुए घूमते हुए ये शक्तियाँ नज़दीक आ जाती हैं उस व्यक्ति के जो साधना कर रहा होता है। तो साधना के दौरान जब आपके मन में भाव आया तो निश्चित रूप से इष्ट ने आपको इस बात का संकेत दिया था कि ऐसा कर लो, नहीं तो ये तुमसे जुड़ने की कोशिश करेगी। और सपने में वो आ भी गई, क्योंकि स्वप्न में सरल होता है किसी को भी शक्ति के पास आना और जुड़ना। तो उसने यहाँ दिखाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारी शक्तियों को इस प्रकार से अभिमंत्रित करके, इन चीज़ों को करके आपकी शक्ति और आपकी ऊर्जा को धारण कर लूँगी, और जैसे ही आप मुझसे संभोग करेंगे मैं आपकी सारी शक्ति छीन लूँगी। और चूँकि आपके अंदर मेरे प्रति इतनी काम भावना नहीं है, इसलिए मैं अपने जो अधीन जिन है, जिसको हम आकाशी जिन कह रहे हैं, उस आकाशी जिन को आपके शरीर के अंदर डाल देती हूँ। इसके बाद वो आपको जो है, क्योंकि वो उसके अंदर काम भाव जो होगा वो उसकी वजह से आपके अंदर भी काम भाव पैदा हो जाएगा, फिर आपके साथ वो जब संबंध बनाएगी तो उसकी जो शक्तियाँ होंगी, उसकी आपने जो अभी तक साधनाएँ की हैं, पूजा की है वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने दिनों तक आपको अभिमंत्रित करके वो रखती है, आपने गुलाम बना के आपको रखती है, तो वो सारी शक्तियाँ आपकी जो आपने अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर पैदा की हैं, वो सब कुछ अपने छीन लेती हैं आपसे, और सारी शक्तियाँ उसको फ्री में मिल जाती हैं। क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही सरल था केवल और केवल उस विधि को और तरीकों को अपनाना, इसीलिए ऐसा नज़ारा आपको दिखाई दिया, तांत्रिक चीज़ें वगैरह आपको दिखाई पड़ गई, क्योंकि आपके अंदर भी इष्ट की शक्ति होती है तो उसकी वास्तविकता दिखा देती है। अब आपने कहा कि जिनको आप नष्ट, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि आप जिनको रोक सकते थे, उसे भगा सकते थे, उसे समाप्त कर सकते थे, वो ये जान रही थी कि अगर ये जिन इसके शरीर से निकल गया तो इसके अंदर काम भाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो हज़ार साल पुरानी शक्ति हो सकती है, 10,000 साल पुरानी शक्ति हो सकती है जो धरती के ऊपर ऊपर घूम रही है, अंतरिक्ष में विचरण कर रही है, तो उसके प्रति आपके मन में कैसे भाव आ सकता है? तो इसलिए ऐसा हुआ था, उसने जिन को आपके ऊपर इसीलिए बुलाया था। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि आपके अंदर काम भाव डाल करके वो आपको अपने वश में कर सके उस शक्ति के माध्यम से जो जिन उसके साथ में रहता है। अब आपने कहा है कि आपके ऊपर कोई बाधा आने वाली है, तो देखिए, अगर आज की स्थिति को देखते हुए अगर वो आपके फिर से अब नज़दीक आती है तो बाधा आने वाली है, क्योंकि एक बार वो डर के भाग गई है, हो सकता है कि वो उसने आपकी ऊर्जा को समझ लिया हो इसलिए वो आप पर दोबारा प्रहार ना करे, लेकिन अगर उसे लगता है कि मैंने कमी कर दी, यानी मुझे और बड़ी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, तो वो हो सकता है आपके पीछे फिर से पड़े। तो उसके लिए आप गुरु मंत्र का बात जाप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, और साथ हो सके तो कवच का भी पाठ कर लीजिए साथ में, 7 दिनों तक लगातार कवच का जो है आप पाठ कीजिए रोज़ एक एक बार गुरु मंत्र से पहले,
और या उस तरह से जो भी सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना करके रख सकते हैं, अगर आपको डर लगता है या आपको ऐसा लगता है कि दोबारा भी वो ऐसा कर सकती है। क्योंकि अगर उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है तो वो दोबारा आपके ऊपर शक्ति का अपने प्रयोग कर सकेगी। अगर उसने कर दिया है तो वो आपसे अब दूर हट जाएगी, अब आपके पास नज़दीक नहीं आएगी। अब आप कह रहे मुझे आवाज़ किसने दी थी, तो मैं बता रहा हूँ वही कि आपकी आंतरिक शक्ति, ऊर्जा शक्ति, इष्ट की शक्ति, गुरु मंत्र की शक्ति, ये उसी का ही आवाज़ थी। वो उसने बोला और उसने कहा कि आप इन चीज़ों से बचिए और इस चीज़ों के पीछे मत जाइए, क्योंकि अगर इस चीज़ के पीछे आप चले गए तो वो आपको अपने लपेटे में ले लेगी, आपको अपने अधीन गुलाम या वशीकृत कर लेगी जिसे कहा जाता है। इसका प्रभाव आपके वास्तविक जीवन में कुछ नहीं पड़ने वाला है जब तक कि वो आपको अपने वश में ना कर ले। अगर वश में कर लेती है तो पूरे जीवन में आपके पूरी तरह से आपको अपने वश में वो कर लेगी और आपकी सारी शक्तियाँ छीनने लगेगी और आपसे जो है सिद्ध भी हो जाएगी। क्योंकि ऐसी शक्तियाँ सिद्ध होने का मतलब कि आप उससे सिद्ध नहीं हो रहे बल्कि उसने आपको सिद्ध कर लिया है। तो इसलिए परेशान मत होइए बिल्कुल भी और आराम से अपनी साधनाएं करते रहिए। और अगर समस्या लगती है तो सुरक्षा घेरा बना लीजिए और कवच का पाठ कीजिए, क्योंकि कवच में सीधे सीधे ये मंत्र आया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस मंत्र के माध्यम से पता चलता है कि ये निश्चित रूप से लाल कपड़ों वाली डाकनी थी। इसी प्रकार जो है संजय सहदेव जो हैं, इन्होंने अपने कुछ प्रश्न पूछे हैं तो उनका भी जवाब दे देते हैं। नमस्कार सर, सर मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। आप कौन से देवता के भगत हों? दूसरा, मेरे घर में पहले से बहुत पावरफुल जिन यानी पितर जो भी हैं वो मेरी फैमिली के पूर्वज हैं और नाराज हैं, तो क्या मुझे शिव साधना करनी चाहिए? भगवान शिव की साधना करना चाहते हैं। कुछ पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर मुझे बताया था कि मेरे कोई ब्रह्म टाइप से गुरु हैं और मैं पैसों में खेलूँगा, तो क्या मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं? क्या मुझे और गुरु बनाने चाहिए? मैं इन गुरु को खोना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो अच्छाई है इन्हीं की देन है और मैं ऊपर वाले का हमेशा साथ देता है, इसीलिए किस्मत काफ़ी अच्छी है और मेरे को जो पैसे या कोई वस्तु कभी गुम नहीं होती बल्कि मुझे पैसे ऐसे ही रास्ते में बहुत बार मिल जाते हैं पड़े हुए से। प्लीज़ बताइए मेरे गुरु कौन है, अगर नहीं है तो कैसे बनाने चाहिए और कब बनाने चाहिए, और कुंडली में वो गुरु कौन है? मैं शिव जी की साधना करना चाहता हूँ, क्या सिद्धि और साधना अलग अलग होती है? तो सबसे पहले तो आपने मुझसे जो पूछा है कि आप कौन से देवता के भगत हो, तो देखिए देवताओं की श्रेणी से भी ऊपर की बहुत ऊपर श्रेणी है परमात्मा को जा कहा जाता है। लेकिन परमात्मा को भी हम जब माँ मान के पूजा करते हैं, जो परम तत्व है उसको जब माँ मान के पूजा की जाती है, क्योंकि जो पराशक्ति है वो परमात्मा से अभिन्न है, यानी कि वो दोनों में भिन्नता नहीं है, एक ही चीज़ है, एक माया रचता है एक माया रचाती है। तो अंततोगत्वा उसमें मिलना मूल उद्देश्य है, परमात्मा और उसकी जो शक्ति है दोनों में भेद नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। अब सिर्फ आपकी भावना है कि आप उसे पुरुष माने या स्त्री माने, हालांकि ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, लेकिन कहते ना कि प्रेम अधिक प्राप्त हो इसलिए हम लोग स्त्री तत्व की ओर ज़्यादा प्रयास करते हैं, क्योंकि माँ जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती है अपने बच्चों को, सबसे बड़ा रिश्ता संसार में वही होता है, इसलिए माँ के रूप में हम पूजा करते हैं। तो वो आदि पराशक्ति हैं और मूल तत्व हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं और भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में वो साथ में रहती हैं, हर देवता के वो साथ में रहती हैं, उनकी शक्ति बन के हर शक्ति के साथ वो जो है संसार और ब्रह्मांड के हर कोने में छाई हुई हैं। तो जैसे कि आप सुन लीजिए कि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शिव के साथ में पार्वती रूप में, ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी के रूप में यानी कि सरस्वती के रूप में, इंद्र के साथ इंद्राणी के रूप में, हर एक शक्ति के साथ रहती हैं, क्योंकि असल में दोनों में अलग नहीं, भेद नहीं। जैसे कि शिव और शिव की शक्ति अलग नहीं है, नारायण और लक्ष्मी अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, यानी कि सिर्फ स्त्री रूप उनका हो गया, नारायण का स्त्री रूप लक्ष्मी है, शिव का स्त्री रूप जो है वो पार्वती हैं। तो इसी तरह स्त्री रूप का पुरुष रूप होता है, यानी कि अगर पार्वती हैं तो वो शिव हैं स्वयं ही, और अगर लक्ष्मी हैं तो स्वयं नारायण हैं। इसीलिए लक्ष्मी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है जीवन को जीने के लिए, और जीवन में भौतिकता संपन्नता सब भगवान नारायण संभालते हैं क्योंकि वो पालन करता है। बिना धन और सुख संपदा के आप जीवन को नहीं जी सकते। तो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि शक्ति हर प्रकार से रहती है, और इसी तरह हम जब गुरु मंत्र के जाप करते हैं तो उससे भी जो ऊर्जा बनती है वो भी हमारी शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है, वो हमारी माँ के रूप में रही है, वो हमारे साथ में होती हैं। तो अलग अलग तरीके से उनकी पूजा भजन किया जाता है, उसी विधि को गुरु मंत्र
एक तरीका अपनाया गया, उसके माध्यम से पूजा साधनाएं की जाने लगी ताकि मुक्ति प्राप्त की जा सके। तो इसी को गुरु मंत्र दीक्षा कहा जाता है और इनके ही मंत्रों का जाप किया जाता है। तो ये कोई देवी देवता श्रेणी नहीं है, ये देवी देवता से बहुत ऊंची श्रेणी है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में छाई भी हुई हैं। तो ना तो ये दिखाई देंगी, ना तो ये किसी रूप में नजर आएंगी, अगर आप इनके मूल तत्व की ओर बढ़ेंगे तो। और वैसे तो इनके हजारों रूप हैं, जिस रूप में भी इन्हें पूज लो उसी रूप में आपको प्रकट होकर के दिखा भी देंगी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में छाई हुई समस्त माया है और समस्त संसार से मुक्त कराने वाली मुक्ति भी यही है। तो ये है मेरा अनुभव, या वो समझ लीजिए एक प्रकार से कि किन की मैं उपासना करता हूँ। तो चलिए दूसरी बात आपके प्रश्न कर लेते हैं कि मेरे घर में पहले से बहुत पावरफुल जिन हैं, पितर हैं, जो कि जिन फैमिली के पूर्वज हैं और नाराज हैं, तो क्या मुझे शिव साधना करनी चाहिए? देखिए, शिव भगवान तो आदि गुरु हैं। अगर कोई ये सोचता है भगवान शिव की साधना करने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो बिल्कुल भी गलत सोचते हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान शिव आदिगुरु हैं और हर जिन पितर हो या कोई देवता हो, कोई देवी हो, संसार ब्रह्मांड में कुछ भी हो, वो सब भगवान शिव के नीचे आते हैं, कमांड करते हैं भगवान शिव, और सब कुछ सिखाने वाले हैं। अस्तित्व तो नहीं था तब शिव थे, और अस्तित्व तो नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। इसलिए वो महानतम परम गुरु हैं, और इसलिए उनकी साधना करने से के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी साधना के वजह से या किसी पूजा की वजह से उनकी पूजा या साधना नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आप 100% कर सकते हैं बिना किसी से पूछे हुए। अब आपका तीसरा सवाल है कि क्या पंडित जी ने मेरी कुंडली देखकर मुझे बताया था कि मेरे कोई ब्रह्म टाइप के गुरु हैं और मैं पैसों से खेलूंगा वगैरह वगैरह, जिस तरह से आपकी कुंडली देख के आपने कहा। तो देखिए, पंडित जी ने क्या देखा क्या नहीं देखा वो मैं नहीं जानता, कुंडली में आपकी क्या है ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा है उनके प्रति और आपके परिवार में उनको पहले से पूजा जाता है या माना जाता है, तो उनकी पूजा वगैरह आप कीजिए, आप करते रह सकते हैं। लेकिन जो आपके मूल गुरु होते हैं, मूल तत्वी गुरु होते हैं, वो और इन गुरुओं में अंतर होता है। ये जन्म के साथ बंधे होते हैं, आप कहीं और जन्म ले लेंगे तब यहाँ पे गुरु नहीं रहेंगे, यानी कि ये सिर्फ आपके इस जन्म से जुड़ी हुई शक्ति है। तो इसलिए परम गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए, आप परम गुरु को जरूर बनाइए, आध्यात्मिक गुरु या जो मूल तत्व तक ले जाने वाला गुरु है उसको जरूर बनाना चाहिए, ताकि इन गुरु की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और साथ ही साथ उनकी भी कृपा हो, ताकि आप मुक्ति की ओर बढ़ें। क्योंकि ये संबंध केवल इस जन्म तक के लिए हैं, बाद में हो सकता है अगर आप किसी और जगह पैदा हो, वहाँ उनके जो आपके जो माता पिता हो वो किसी और गुरु को मानते हो, तो आपको उस गुरु को ही मानना पड़ेगा, यानी इस गुरु को आप भूल जाएंगे। तो इसलिए ये इस जीवन के संबंधों से जुड़ी हुई शक्ति है। अब आपने पूछा है कि आप बताइए कि मेरे गुरु कौन है, अगर नहीं है तो कैसे बनाने चाहिए। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो परिवार से प्राप्त आपको गुरु है आपको चलना चाहिए उसके पीछे, लेकिन एक आध्यात्मिक परम गुरु बनाना आवश्यक होता है। चाहे तो अगर आपको अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, जैसे कि अभी आपने पूछा कि भगवान शिव साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और अगर आप हर चीज़ के लिए नए हैं और साधना भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक जीवित गुरु भी बनाना चाहिए, और जीवित गुरु से गुरु मंत्र प्राप्त करके उसको हमेशा जाप करना चाहिए, ताकि आपके जीवन आगे बढ़े और आपकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हों, और जो गुरु आपके कृपा बनाए हुए उनकी कृपा और बढ़े आपके ऊपर, जो भी जीवन में आपके जुड़े हैं या आपके पूर्वजों के रूप में आपके गुरु जो है वो सबके आपकी कृपा बने। अच्छा, ये क्यों होता है? कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान शिव को मैं अपना गुरु बना लूं, और वो कहते हैं कि इससे मेरे पैसे भी बच जाएंगे और साथ ही साथ मुझे हो सकता है मेरे गुरु से बेहतर गुरु मिल जाए। ये बात तो सच है कि भगवान शिव की से बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, से दुनिया में कोई हो सकता है चाहे उसने कितनी भी पूजा तपस्या कर रही हो। लेकिन इसी जगह प्रश्न खटक जाता है और गड़बड़ कर देता है, वो ये है कि भगवान शिव को गुरु मानने में और भगवान शिव को गुरु समझने में, अपने जीवन में उतारने में बड़ा अंतर है। कहते हैं हम जैसे होते हैं वैसे ही हमारा गुरु होता है, और हमारे गुरु के जैसे ही स्वभाव, शक्तियाँ, सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। सिर्फ मान लेने से कोई चीज़ नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कहता मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं प्रधानमंत्री बन जाता। तो भगवान शिव की साधना, अगर आप ये सोच के चलें कि हाँ मुझे कम से कम इनके मंत्र का 1 करोड़ जाप करना है, तो ही आप उनको गुरु मान सकते हैं, आपके वो गुरु हैं भी, हो भी सकते हैं, हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके मंत्र का कम से कम 1 करोड़ मंत्र जाप किया है।
तो ऐसी शक्ति आपके अंदर पैदा हो रही है जो भगवान शिव से आपको जोड़ देगी, क्योंकि आपने 1 करोड़ जाप किया, तब वो गुरु आपके कहलाने लायक हैं और वो आपको दर्शन भी दे सकते हैं। अब आप जाप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पॉप कहने लगे कि ये हमारे गुरु हो गए, भैरव जी हमारे गुरु हो गए, शिव जी गुरु हो गए, माता हो गई हमारे गुरु, या हनुमान जी हमारे गुरु हो गए। आपने अगर उनके मंत्र का 1 करोड़ के करीब जाप नहीं किया तो फिर वो कैसे आपके गुरु हो सकते हैं? आपके सिर्फ मानने मात्र से तो नहीं होगा ना। इसलिए जो है जीवित गुरु बनाना आवश्यक हो जाता है और उनका जो मंत्र होता है उस मंत्र को जाप करना होता है। अब वो फायदेमंद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कई कम गुना जाप में भी, उससे आप 10 गुना 20 गुना 50 गुना कम जाप में भी उस शक्ति को आप उससे जुड़ जाते हो, क्योंकि वो शिव शक्ति अकेली नहीं होती है, उसके साथ और सारी बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और वो पूरी परंपरा होती है। इस वजह से कई लोगों से जुड़ जाता है, हर एक व्यक्ति से वो जुड़ जाता है जो उस मंत्र का जाप कर रहा है। इसलिए गुरु परंपरा को अच्छा माना जाता है और कहीं बेहतर माना जाता है मानने मात्र वाले से। इसलिए बनाने को तो आप भगवान शिव को भी गुरु बना लीजिए और भगवान शिव की साधना कीजिए। भगवान शिव की साधना तो करिए करिए, भले गुरु ना बनाइए, लेकिन भगवान शिव की साधना तो जरूरी है, क्योंकि वो जो है आपको मुक्ति की ओर लेके जाएंगे, जीवन को उत्तम बनाएंगे, आपके अंदर ऊर्जा भरेंगे। लेकिन भगवान शिव को गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि एक बार अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ भगवान शिव को गुरु बना करके पूजा करो और तुम जो है पाशुप्रसाद रस्त्र प्राप्त करो। तो उन्होंने भगवान शिव ने आकर के पहले तपस्या पहले उनकी देखी, कितनी तीव्रता से उन्होंने की, उसके बावजूद वो तीरों पर खड़े होकर तपस्या करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, तब जाकर के कहीं उन्हें अपना शिष्य बनाया था। तो शिष्य मान लेने मात्र से नहीं होता है, बल्कि गुरु भी आपका देखता है कि आपको शिष्य बनाना है कि नहीं होता है। तो भगवान शिव की साधना कीजिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, अगर चाहे तो गुरु जीवित गुरु बनाइए और अपने पुराने जो गुरु हैं उनको छोड़िए नहीं। वो छूटना नहीं होता है, बल्कि आपको उनसे जुड़े रहना होता है। अब आखिरी सवाल आपने पूछा है, क्या सिद्धि और साधना अलग अलग होती है? हाँ बिल्कुल, सिद्धि में हम शक्ति को अपने अधीन भी कर लेते हैं, अपने इच्छानुसार काम भी करा लेते हैं, लेकिन साधना में हम और केवल उस अपने इष्ट की या उस शक्ति की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कुछ करे हमारे लिए, जो कुछ करना है उसे करे। हालांकि हम मांगते उसमें भी रहते हैं साधना करने के बावजूद भी कि भगवान मेरी मदद कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन पूजा होने या आपको फल मिल जाए उस चीज़ का उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो एक साधना है, एक पूजा है, एक उपासना है आपने जो अपने इष्ट के प्रति आपने की है। लेकिन सिद्धि में क्या होता है कि आपको शक्ति आपके अधीन भी हो सकती है और आप उसको कंट्रोल में ले सकते हैं, और अगर आप उससे कहेंगे कि हाँ ये काम होना चाहिए तो वो काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं की भी लोग सिद्धि कर लेते हैं। तो इसलिए सिद्धि और साधना बड़े अलग अलग चीज़ें हैं, और सिद्धि में आप उसको सिद्ध कर लेते हैं शक्ति को और अपनी इच्छानुसार चला भी सकते हैं, लेकिन साधना में ऐसा नहीं होता। साधना और उपासना में आप उस शक्ति के प्रति समर्पित होते हैं, उसकी पूजा करते रहते हैं और उस पर छोड़ देते हैं कि आप मेरे काम को बनाइए। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और अनुभव। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।